भाई लोगों, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि उनका आखिर पोटेंशियल कितना होगा, और उन्हें हम एक ऑर्डिनरी चीज में शामिल करते हैं और उन्हें कम में ही आंकने लग जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम कम का आंकड़ा लगा के चलते हैं और जब ये वो चीजें अनएक्सपेक्टेड मिलती हैं तो वो सुपर से भी ऊपर वाला हिसाब किताब सेट करके जाती हैं और मामला बवाल हो जाता है। जो अभी योद्धा मूवी का ट्रेलर करके गया है, क्योंकि जब इसका टीजर आया था तो भाई साहब वही सेम वाइब चल रही थी जो बॉलीवुड मूवी की अभी तक चलते आ रही थी, कि ठीक है बॉलीवुड की मूवी आएगी और वही चीज जैसा अभी तक हम देखते आ रहे थे, थोड़ा सा लंबी लंबी आंकेंगे, मतलब बहुत कुछ ट्रेलर या टीजर से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें मूवी में जाके कुछ क्या मिलेगा, फुसकी बॉम। लेकिन भाई योद्धा मूवी का ट्रेलर चुम्बेश्वरी है, दमदार है, और एक सॉलिड नाम इस रेस में जुड़ने वाला है। कौन सी रेस में? जहां बॉर्डर, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह मूवी जैसे ये टैग लेकर बैठी है पैट्रियोटिक कनेक्शन के मामले में। तो योद्धा क्या नेक्स्ट मूवी हो सकती है, जानेंगे भाई साहब। ट्रेलर आ चुका है, रिव्यू करेंगे, कितना प्रॉमिसिंग ये है, क्या ये नाम वहाँ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, और भी बहुत कुछ हमें क्या मूवी से मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, मूवी कब आने वाली है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू टेलर, सिद्धार्थ मल्होत्रा दीवाना है आर्मी में जाने के लिए, उस लाइफ को जीने के लिए जो उसके पिताजी जिया करते थे, यानी लेट एक्स आर्मी सोल्जर, और अपने बाप की तरह ही ये बंदा बनना चाहता है, जो ट्रेलर से साफ पता लग रहा है। मूवी के दो एग फैक्टर होने वाले हैं, यानी दो फेस होने वाले हैं, एक स्टोरी प्रेजेंट में चलेगी और एक स्टोरी पास्ट में चलेगी, जिसमें पास्ट अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी अपने हीरो का बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत बेहतरीन नहीं रहा है, जो उसके ट्रेलर से ही साफ पता लग रहा है। जहाँ पर ये जद्दोजहद में आर्मी में तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाके उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसे कॉपी करना, इसके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा, और इससे कुछ एक ऐसी गलती हो जाएगी जो कि ना सिर्फ उसके लिए भारी पड़ेगी, उसकी सारी बटालियन को, उसके ग्रुप को भारी पड़ जाएगी। देन उसके बाद इन्हें सस्पेंशन के साथ साथ एज ट्रेटर भी देखा जाएगा, जो बहुत बड़ा थब्बा साबित होते नजर आएगा। लेकिन बाद में अपने हीरो को फिर मौका देगी कौन? किस्मत, जो फिलहाल मुझे मौका नहीं दे रही है। हाईजैक प्लान को ये आतंकवादियों से छुड़ाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से अपने हीरो की यानी अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा भाई की किस्मत चमकेगी या नहीं चमकेगी, वो तो फिर खैर मूवी में पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर जिस हिसाब से इन्होंने रिवील आउट किया है, रिलीज किया है, भाई चुम्बेश्वरी बहुत प्रॉमिसिंग है, ट्रस्ट बिल्ड करके जा रहा है, कनेक्शन सेट करके जा रहा है। दूसरा, इस मूवी का एक्स फैक्टर क्या होगा भाई, जिसने मेरा दिल लूट लिया, एक्शन भाई क्या खतरनाक। पैट्रियोटिक मूवीज में ऐसा एक्शन नहीं दिखाया जाता है, अधिकतर गन बैटल्स ही दिखाए जाते हैं, लेकिन सिंगल हैंड कॉम्बैट में, फिजिकल कॉम्बैट में, देन गन बैटल, सिंगल गन बैटल कॉम्बैट में भाई जॉन विक की याद दिला दी, और एक्शन डायरेक्टर ने इसमें क्या बेहतरीन, क्या सॉलिड काम किया है भाई, 360 डिग्री में पूरे एंगल को घुमा घुमा के जो पहुंचाया है, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट सीन ने दिल लूट लिया भाई, बहुत प्रॉमिसिंग एक्शन के मामले में भाई सच में दिल लूट लिया है। वेट है कि 15 मार्च कब आए और इस मूवी को देखें, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा जिस हिसाब से इसमें एक्शन कर रहा है भाई, बॉलीवुड का ये टिपिकल जो एंगल था एक्शन के मामले में, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, वेल फर्निश्ड, वेल स्टेब्लिश्ड एंड वेल ग्लोरियस लग रहा है, जो भाई दिल लूट के गया है। ट्रेलर तो देख लिया है, अगर आपने देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, दैट्स माय रिव्यू। बाकी मूवी के लिए वेट है, मूवी 15 मार्च को आपको मिल जाएगी। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट से जरूर बता गया ना। मिलते अगली वीडियो पर, जय हिंद।